हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ ब्लैकेस्ट नाइट का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इस एपिसोड में देखेंगे जस्टिस लीग के बाकी बचे ब्लैक लैंटर्स आखिर ठीक कैसे हुए और उनमें से कुछ लैंटर्स दूसरे लैंटर्स में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कोस्ट सिटी में, जहाँ पर ब्रूस वेन की स्कल वहीं पर पड़ी हुई थी और बाकी बचे लैंटर्स लड़ रहे थे दूसरे ब्लैक लैंटर्स से। लेकिन हेल जॉर्डन, जो कि उस ब्लैक रिंग से बच रहा था, उसे देखते ही ब्लू लैंटर्न कहता है, मुझे लगा था कि ब्लैक रिंग्स डेड के पीछे लगती है, लेकिन लिविंग के पीछे पहली बार देख रहा हूँ। इस पर हेल जॉर्डन कहता है, लिविंग नहीं वॉकर, रिजरेक्टेड कहो। और तभी वो रिंग उसके कंस्ट्रक्ट की हुई शील्ड को तोड़कर उसके पास पहुँच जाती है और यहाँ पर सुपरमैन और बाकी सुपर हीरोज उस पर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर वो कह रहा था, मेरा नाम है हेल जॉर्डन और मैं ऑफिसर हूँ ग्रीन लैंटर्न कॉर्प का स्पेस सेक्टर 2814 से, और मैं सन को रीइग्निट करते वक्त मर चुका था, लेकिन मैं रिजरेक्ट किया गया कार्ल राइनर और ग्रीन लैंटर्न कॉप की मदद से। ओलिवर, जो कि प्लेन एक्सप्लोजन में मर चुका था, उसे मैं ही लाइफ में वापस ले आया जब मैं पैरलैक्स था। वंडर वुमन एक डीमन के द्वारा कैद की गई थी और वो वहां से लाइफ में वापस आ गई। सुपरमैन, जो कि डूम्सडे के जरिए मारा गया था, वो फिर से रिजरेक्ट किया गया क्रिप्टोनियन टेक्नोलॉजी के जरिए। और जब बैरी एलन कुछ हफ्तों पहले वापस आया, तब मुझे ये लगा कि डेथ और रिजरेक्शन हमारे जॉब का ही एक पार्ट है और कुछ नहीं। और तब हम देखते हैं कि नेक्रॉन वहाँ से वो जगह छोड़कर कहीं और बढ़ रहा था। यहाँ पर सारे लैंटर्स सुपरमैन पर अटैक कर रहे थे और सिनिस्टर उनसे कह रहा था, उसे मारो वरना ऐसा ना हो कि सुपरमैन के हाथों कोई मारा जाए और वो तुम हो। तब ग्रीन लैंटर्न उसे कहता है, सुपरमैन डेड नहीं है, वो कभी भी डेड नहीं था। इस पर गुस्सा होते हुए सिनिस्टर उससे कहता है, तुम अपनी रिंग अपने खोल में छुपाकर हमें मरने और झूठ बोलने के लिए यहाँ पर छोड़ गए। इंडिगो के ब्राइट आइडिया से हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे। दूसरी तरफ बेरी को पार्ट गिरा देता है और वो कहता है, बेरी जब तुम वापस आए तब मुझे कुछ अजीब लगा। पहले मैंने सोचा कि ये इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे जैसा हूँ, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये लाइफलाइन नेक्रॉन की क्रिएट की गई थी और इसी वजह से हम इसके थ्रू पास हो पाए। लेकिन तभी वैली वेस्ट वहाँ पर आकर बार्ट को हटा देता है और बेरी के साथ वहाँ पर भागने लगता है और पूछता है कि बार्ट के साथ आके क्या हुआ। इस पर बेरी कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन उसे और खुद को दोनों को ही प्रोटेक्ट करो। और वहां पर भागते हुए बेरी हेल जॉर्डन से कहता है, हेल मेरी तरफ एक लाइन फेंको, और ग्रीन लैंटर्न वैसा ही करता है और वो लाइन पकड़कर वो उसके साथ भागने लगता है और उसे कहता है, पकड़ के रखो। यहाँ पर दोनों में वन बाय वन बात चल रही थी, जहाँ पर वो कहते हैं, वो रिंग्स नजदीक आ रही है, मैं जानता हूँ वो रिंग्स फास्ट है, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन मैं फास्टर हूँ। और वो इसी के साथ उनसे आगे निकल जाता है और स्पीड फोर्स क्रॉस कर देता है और उसे एक जगह रखकर कहता है, किसी भी कॉस्मिक ट्रेडमिल के बिना टाइम ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है। इस पर वो कहता है, टाइम ट्रैवल? तब बेरी बताता है कि ब्लैक हैंड और नेक्रॉन ने रीएनिमेट किया ब्रूस को एक इमोशनल रिएक्शन ट्रिगर करने के लिए और उसी के साथ ब्लैक रिंग्स लैच हो गई, लेकिन मैंने हम दोनों को 2 सेकंड्स फ्यूचर में पहुंचा दिया, इसी वजह से इनका अब हम पर से खतरा टल चुका है। इस पर वो पूछता है कि आखिर ब्रूस ऐसा ब्लैक लैंटर्न क्यों था जो कि खुद ही तबाह हो गया। इस पर बेरी बताता है, मुझे नहीं पता। और वो दोनों ही इतना कहकर वहाँ से उस फाइट में हिस्सा लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैमेज की ब्लैक रिंग में अभी भी जेन, एटम और मेरा थे, जहाँ पर जेन उन दोनों को मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर उसमें डेडमैन एंटर कर जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर इस रिंग में कूदा था क्योंकि मैं कुछ एक दो बातें जान सकूं, लेकिन इस वजह से मुझे कुछ सीरियस डैमेजेस का सामना करना पड़ा और तुम और फिश वुमन दोनों ही ऐसी चीजें हो जो कि यहाँ पर जिंदा है, इसी वजह से रिंग के नेटवर्क ने मुझे यहाँ पर ले आए। और तब वो कहता है कि मैं इसे ज्यादा देर अब होल्ड नहीं कर सकता, मैं जो कहता हूँ वो सुनो, बाहर जाकर सबको वार्न करो, क्योंकि मैंने जो सुना है उसके हिसाब से सारे ब्लैक लैंटर्न्स जो कि यूनिवर्स में है वो भी यहाँ पर आने वाले है, वो अभी अर्थ पर आने वाले है। और तभी बोस्टन ब्रांड जेन की शरीर से चला जाता है और उसकी जीप पकड़कर मेरा कहती है, जेन हमें यहाँ पर ले आया एटम, लेकिन तुम्हें हमें यहाँ से बाहर निकालना होगा। और बाहर जाते हुए वो एटम से पूछ रही थी कि हर एक ब्लैक लैंटर्न यूनिवर्स का इसका क्या मतलब है, और वो आगे पूछती है, और आखिर कितने ऐसे लैंटर्न्स हैं। इस पर एटम कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जॉन स्टेवर्ट, जो कि यूनिवर्स में ब्लैक लैंटर्न से बचकर भाग रहा था, वो कहता है कि अगर कोई अर्थ से मुझे रीड कर रहा है तो मैं हूँ ग्रीन लैंटर्न जॉन स्टेवर्ट और तुम्हारे पास एक इनकमिंग आ रहा है। और तभी एटम और मेरा दोनों बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी वो अपने सामने वंडर वुमन को पाते हैं। तभी वंडर वुमन से मेरा लड़ने जाती है, वो एटम से कहती है, मैं इसे संभालती हूँ, तुम फ्लैश को ढूंढो। इस पर वंडर वुमन उससे कहती है, तुम्हें लगता है मेरा कि तुम मेरा सामना कर पाओगी,
इस पर रेज से भरते हुए मेरा कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ प्रिंसेस, कि मैं हमेशा से यही जानना चाहती थी। दूसरी तरफ बेरी को देखकर सेनिस्टो कहता है, तो तुमने उसे छुटकारा पा लिया। इस पर वो बताता है, नहीं, हम उनसे भाग आए। तब हेल जॉर्डन से स्टार सफायर कहती है, तो अब क्या हेल, हमने एक साथ अटैक करके देखा लेकिन वो ब्लैक लैंटर्न्स को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा। जिस पर वो बताता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम फ्रैक्शंस है ना कि व्हाइट लाइट। इस पर ब्लू लैंटर्न और इंडिगो लैंटर्न कहते हैं, हमें एक साथ होकर उस पर अटैक करना होगा और इसके लिए हमें अपनी पूरी एनर्जी चैनल करनी होगी। तभी कैंथर्ड आकर कहता है, तो हमें पूरे कॉप के फोर्स की जरूरत पड़ेगी और एक एक सिंगल बीम की उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिस पर इंडिगो लैंटर्न कहती है, मेरी ट्राइब यहाँ पर आ चुकी है गैदर करने के लिए, लेकिन हमें इसके लिए वक्त लगेगा। तब कैंथर्ड ये फैसला लेता है, वो अब एक ग्रीन लैंटर्न बनेगा और वो हेल की ग्रीन लैंटर्न रिंग अपने हाथ में लेते हुए उसे रिप्लीकेट करता है, यानी कि एक और लैंटर्न रिंग बनाता है और इसी के साथ वो एक ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। और उस शील्ड में जाकर वो बाकी लैंटर्न से कहता है कि तुम्हारी टेक्नोलॉजी भी इससे अलग नहीं है, लेकिन भले ही तुम लोग अलग अलग लाइट को होल्ड करते हो, लेकिन तुम्हारी सारी रिंग्स एक ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और तुम्हें ये नहीं पता। और बुक ऑफ ओवा के अकॉर्डिंग शेडो ऑफ ब्लैकेस्ट नाइट में सारी रिंग्स इंडिविजुअल काम करने के लिए प्रोग्राम्ड है 24 आवर्स के लिए। इस पर एट्रोसिटस कहता है कि तुम हमारी रिंग्स कंट्रोल नहीं कर सकते। इस पर गैंथर जवाब देता है, नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं चाहूँ तो भी नहीं कर सकता, लेकिन गार्डियन होने के नाते मेरा आखिरी फैसला ये था कि मैंने इस प्रोसेस को अब ट्रिगर कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि सभी की रिंग्स रिप्लिकेट होकर अपने अपने इंडिविजुअल मास्टर्स को ढूंढने के लिए वहां पर जा चुकी थी। सबसे पहले हम देखते हैं ब्लू रिंग जो कि बैरी एलन को चूज करती है। दूसरी तरफ एजेंट ऑरेंज जो कि ग्रीडनेस से भरा हुआ था, वो अपनी रिंग को जाता हुआ देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं था। वो कह रहा था, नहीं, मैं अपनी रिंग किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला। और तभी वो रिंग जाकर पहुंचती है लेक्स लूथर के पास, लेक्स कॉप में, जो कि अपने ही मारे हुए ब्लैक लैंटर्न से बचने के लिए पावर सूट में था और उनसे बच रहा वो उन्हें मार ही रहा था कि तभी वहां पर वो रिंग आकर लेक्स लूथर को सिलेक्ट करती है। दूसरी तरफ गौतम सिटी में स्केयरक्रो एक औरत को डरा रहा था और कह रहा था कि मेरे गैस तुम्हें डरा रहे हैं लेकिन मुझे नहीं, मैं भी ये डर फील करना चाहता हूँ। और उसकी तरफ हथियार लेकर बढ़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें गौतम सिटी के रास्ते पर ले जाकर मारूंगा और जब क्रॉस सर्कस आकर तुम्हें फीड करेगा तब बैटमैन आएगा और मुझे डराएगा। और तभी वहां पर येलो रिंग आकर उसे सिलेक्ट करते हुए कहती है, तुम्हारे पास लोगों को डराने की एबिलिटी है तो तुम्हारा स्वागत है सिनिस्टर कॉप में। दूसरी तरफ एटम जो कि ओलिवर क्वीन यानी कि एरो को बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसे सिलेक्ट करती है इंडिगो लैंटर्न रिंग। और मेरा और वंडर वुमन की चल रही लड़ाई में वहां पर दो रिंग आती है जिसमें से रेड रिंग चूज करती है मेरा को उसकी रेज की वजह से, और यहाँ पर वंडर वुमन को वायलेट रिंग चूज करती है उसके लव के लिए, लेकिन वंडर वुमन उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और इसी वजह से यहाँ पर स्टार सफायर उसे महसूस कर पा रही थी। तो कह रही थी कि मैं फील कर सकती हूँ कि रिंग सर्च कर रही है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि रिंग भले ही उसे सिलेक्ट कर ले लेकिन उसे भी उसे एक्सेप्ट करना होगा। और यहाँ पर जो लाइट उसके अंदर बस्ट हो रही है वो कोई नहीं समझ सकता, वो सबसे परे है। यहाँ पर इस प्लेनेट में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि वंडर वुमन से ज्यादा किसी से प्यार कर सके, और इसी वजह से वो रिंग ब्लैक लैंटर्न रिंग को तोड़कर वंडर वुमन को एक स्टार सफायर बनाती है। और तभी हेल को आवाज सुनाई देती है कि तुम्हें अभी और लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी हेल, क्योंकि हम लोग अब इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर सारे लैंटर्न्स जो कि अभी भी सिलेक्ट किए गए थे वो वहां पर आ चुके थे। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।